एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छी होंगे। और वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं खुश हूँ, आज मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते बाद आज वो लोग आ रहे हैं घर पे। तो हम लोगों का पूरा प्लान है लेने जाने का, और भाभी भी जाएंगी और हम सभी जाएंगे लेने के लिए मम्मी को। तो अभी अनिका का आने का वेट कर रहे हैं। अनिका 12:30 बजे आ जाएगी। मम्मी अभी नैमिस में है, और अभी हमारी पापा से बात हुई थी तो पापा बोल रहे थे कि नैमिस में हूँ, अभी 1 घंटे बाद निकलूँगा। तो नैमिस और हमारे घर का रास्ता वही 1-1.5 घंटे का रास्ता है, तो 2 घंटे मान लो, क्योंकि कहीं ना कहीं बस रुक भी जाती है। तो 2 घंटे का वेट कर रहे हैं, और फटाफट अभी हम जा रहे हैं नहाएंगे, क्योंकि अभी हमने नहाया है नहीं। नहाएंगे, फिर मम्मी तैयार होंगे, फिर मम्मी को लेने जाएंगे। तो आप लोग बने रहिए और लेने चलते हैं मम्मी को, और जैसा भी आज का रहेगा वो आप लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे। तो बने रहिए चैनल पे, जो न्यू आते हो तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेल आइकन के साथ में। और ब्लॉग अच्छा लगता है, ब्लॉग का कुछ भी पार्ट आपको छोटा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। और तब तक फिर वेट करिए, अभी आ रही हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस हम आ गए नहा के, और मुझे आज बहुत तेज से लगी है भूख, और मम्मी आ रही है तो दाल चावल वगैरह बना हुआ है, दाल चावल सब्जी रोटी। सब्जी में मैंने सुबह भिंडी बनाई थी, अनिका स्कूल गई थी तो उसके लिए मैंने बनाया था भिंडी, और भाभी ने दाल चावल रोटी बना दिया है क्योंकि मम्मी वहाँ से आ रही ना तीरथ से, तो पूरी सब्जी खाएंगी नहीं, तो दाल चावल अच्छा लगेगा खाने में, तो उनके लिए दाल चावल सब कुछ बन चुका है। किचन एकदम भाभी ने क्लीन कर दिया है, और तो हमें लगी है भूख, आज हम खाना खा लेंगे। फिर अनिका भी 12:30 बजे तक आएगी, भी 11 ही बजा है, तो सच में मुझे बहुत तेज से भूख लगी हुई है। तो मैं निकालती हूँ खाना, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो दाल बनी है, इतनी सारी दाल, किस किस को खानी है? फ्राई दाल है ये, फ्राई दाल, फ्राई दाल, तूर दाल। कैमरे में देख रहे हैं, पानी दाल, पानी दाल। माई फेवरेट सब्जी, माई फेवरेट सब्जी, फेवरेट फेवरेट फेवरेट। माई फेवरेट 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 है भाई। तो गाइस ये रही मेरी थाली, और चलिए आप भी खा लीजिए आके। और मेरी फेवरेट सब्जी बनी है, शायद इसलिए मुझे भूख लग गई है। भिंडी की सब्जी वाकई में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुँह में ऐसे ना पानी सा रहा है। भिंडी चावल वाकई में, किस कौन कौन भिंडी चावल खा लेता है कमेंट में जरूर बताना। चलिए मैं खा लेती हूँ, फिर उसके बाद मिलूंगी आप लोग। गाइस हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, और फाइनली मम्मी आ गई है, बस 10 मिनट में मम्मी पहुंचने वाली है। फोन अभी भी आया था, और हम लोग बिल्कुल रेडी हैं मम्मी को लेने जाने के लिए। और अनिका भी स्कूल से आई नहीं, उसको उधर ही से लेके और मम्मी के पास तुरंत पहुंचते हैं। भाई भी रेडी हो गया है, और भाभी पे चिल्ला भाभी पे बहुत चिल्ला रहे हैं, कह रहे हैं इतना टाइम लगता है, 1 घंटे पहले से बता के गया था मैं कि रेडी हो जाना, और अभी तक रेडी नहीं हो पाई हो। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, खुशी में डांस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ख़राब सा लग रहा था इतने दिनों में, है ना पूजा? कैसा लग रहा था? मम्मी लोग थी नहीं घर पे, तो आज कितना खुश हो? बहुत ना, हम दोनों बहनें बहुत खुश हैं। भाई ने हम लोगों को मारा भी जब तक मम्मी नहीं थी, तड़ापड़ी अभी भी हमको दिया है। मम्मी आएंगी, शिकायत का भंडार भरा हुआ है हम लोगों के पास, इतनी शिकायत। और टाइसन ने सुन लिया है कि हम लोग लेने जा रहे हैं, तो वो भी भौंक रहा है, टाइसन मम्मी आ गई, चलो ले, चलो ले, चलो ले, अल्ले अल्ले। हाँ मेरा टाइसन जाएगा, हाँ ले चलेंगे, अभी बस मम्मी को लेके आ रहे हैं, अभी लेके आ रहे हैं बस। टाइसन को भी पता चल गया है कि आ गई है मम्मी, तो भौंक रहे हैं। भाभी भाई बुला रहे हैं,
तो यहाँ पे आके हम बैठने जा रहे हैं गाड़ी में, और भाई देखना अभी मुझे ऑन कैमरा मारता है, बहुत तेज से मारा मुझे, इतनी तेज से दर्द हुआ है ना। यहाँ पे सॉन्ग बज रहा था, नहीं तो मैं जरूर वॉइस लगाती, बहुत तेज में दर्द हुआ। और हम लोग जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए, और तो आप लोग बने रहिए। सबसे पहले हम जाएंगे अपनी बेटी को लेंगे यानी कि अनिका को स्कूल से। भाभी पीछे बैठी हुई हैं पूजा के साथ में, और भाई गया अनिका के स्कूल अनिका को लेने के लिए, क्योंकि अनिका को लेके नहीं आया था और वहाँ पे वो बैठी वेट कर रही थी। तो फाइनली अनिका भी आ गई। मजा आया अनिका? कौन लेने आया? मम्मा। और कौन लेने आया? मामी, मामा, मची। खुश हो? वेट कर रही होंगी ना हम लोगों का। कहाँ रह गए हम? जल्दी जल्दी आए क्यूटी पाए। कहाँ चल रहे हम लोग? चल रहे हैं नानी को लेने। वाटर पार्क, लखनऊ वाटर पार्क। अबे टू मामा ने हमको आज बहुत मारा है गाड़ी में। हाँ नानी को ले ले। हाँ अब नहीं, पहले हमको बताओ मामा ने बहुत मारा है। तो देर करोगी तो मार तो खाओगी। देर कर रही थी ना, वाटर पार्क जा रही हो क्या? यही यूनिफॉर्म में। गाइस हम लोग आ गए, मम्मी बेबी नहीं आ पाई, हमसे 10 मिनट बोला था जल्दी जल्दी में, हम लोग तो पहले ही आके पहुंच गए हैं, लेकिन मम्मी अभी थोड़ी दूरी पे हैं, उनको 10 मिनट तो फिर लग जाएंगे। मम्मी ने पहले ही बता दिया, हम लोग भागा दौड़ी मैं जल्दी से आए। भाभी कितना खुश पीछे। और ये लिए गए हैं फूलों के माला, ये देखिए है ना प्यारे, निकल जा, ये तो गीले हैं। तो ये गाइस लिया है वेलकम करने के लिए, क्योंकि मम्मा पापा 1 हफ्ते बाद आ रहे हैं दर्शन करके भगवान जी के, तो उनका वेलकम होगा। निकल गया हो, गाय अंदर सड़ गई। तो बने रहिए फिर आप लोग, ब्लॉग काफी अच्छा है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बाहर निकलते, क्योंकि बस हमारी बस आ गई। तो गाइस फाइनली मम्मी लोग आ गए, ये रही बस आ गई हमारी, ये ओ रे पापा। फाइनली हमारी बस आ गई है, तो हम जा रहे हैं मम्मी को लेने के लिए, और भाभी के भी मम्मी पापा हैं तो वो भी मिल लेंगी, और हम सभी लोग मिल लेंगे। तो बहुत देर तक हम लोगों को यहाँ पे इंतज़ार करना पड़ा है, मम्मी ने 10 मिनट बोला था और लगभग 1 घंटा हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा है बस का। और फिर मम्मी हम लोग नीचे आ जाती हैं और सभी के यहाँ पे पैर छू रही हैं, और जो जहाँ के हैं बहुत लोग बस में गए थे और तो वो लोग उतर रहे हैं, और मम्मी भाभी के भी मम्मी पापा हैं इसी में। तो बने रहिए, ब्लॉग काफ़ी अच्छा है, अभी ब्लॉग में बहुत कुछ बाकी है, और हम लोग मम्मी का वेलकम मतलब फूलों से करेंगे, और भाभी भी बहुत ही अच्छे से घर ले जाके मम्मी पापा का वो करेंगी वेलकम। तो बनी रहिएगा, बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, जैसा हम लोगों को समझ में आया वैसा हम लोगों ने किया है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में गाड़ी लाना पड़ी, भारी, बहुत भारी। उतार लो गर्म है, चलो तो गाइस वीडियो मोबाइल बनाओ, वीडियो छोड़ो देखो है पापा क्यों बना रहे यार, एक दिन तू अंकल आप साइड में आ जाइए। पर रहेगा, ले आ जाएगा, पूजा तो नहीं चली जाएगी।
नानी पहन लो भाई ये। हाँ तो देखा आप लोगों ने, हम मम्मी पापा को पहनाने के लिए लाए थे तो पापा और मम्मी को पहना दिए, मम्मी पापा को दोनों लोगों ने। पापा ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। क्या कैसे सोचा था और कैसे हुआ वेलकम कोई ना, बहुत ही अच्छा हुआ पापा एक दूसरे को पापा मम्मी ने पहनाया। और फिर घर चल के और दूसरी तैयारियाँ करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भाभी भी अपने मम्मी पापा से मिल चुकी हैं और अब हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं फाइनली। और देखना टाइशन कितना परेशान है मम्मी पापा से मिलने के लिए। और तो चल के आपको दिखाती हूँ। चलो आ गए पापा मम्मी। टाइशन चलो आ गए, मिल लो जाओ। तो यहाँ पे देखिए टाइशन कितना परेशान है और हमारी गाड़ी का यहाँ पे देख सकते हो लड़ गई थी भाई से, घाव बच गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वो लग गया हुआ है, बुरा भी लग रहा है ना देख के। गाड़ी को न्यू गाड़ी है भाई की और ऐसे हो गया, गाड़ी ने आके लड़ा दी। तो यहाँ पे टाइशन देखो पापा से मिलके कितना खुश है ना। और तो यहाँ पे भाभी आरती की थाली सजा रही थी और भाभी पापा और मम्मी के पैर भी धुलेंगी और उनका आशीर्वाद लेंगी और हम लोग भी आरती करेंगे पापा की। तो चलिए फिर बनी रही है आप लोग और ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी और पापा के भाभी पैर धुल रही हैं, धुलेंगी उसके बाद आरती की जाएगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ कैसा लगा आप लोगों को। और अनिका देखो कितनी ज़्यादा खुश हैं और हम सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और पापा का फेस देख सकते हो, उनके फेस पे कितनी स्माइल है ये देखो, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और अच्छा लगा मतलब ऐसे भाभी ने करा तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और तो बनी रहिए फिर। यहाँ पे अनिका डालने जा रही है माला नानू के अपने, और मैं भी मम्मी को पहनाऊंगी। तो पहना दिया अनिका ने और अनिका के पीछे की चैन खुल गई थी तो पूजा बहुत ज़्यादा हंस रही थी। उसने भी यूनिफॉर्म नहीं निकाली है क्योंकि अनिका भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं आज। और खुश होने वाली बात है क्योंकि एक हफ्ते से हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब उदास रह रहे थे, अच्छा नहीं लग रहा था, घर में इतनी शांति थी। और भाभी आरती उतार रही हैं और फिर मैं भी और पूजा भी सभी लोग। और पापा यहाँ पे देखो दक्षिणा देने जा रहे हैं ये लो और भाई बाहर खड़ा हुआ है, अंदर आने का इंतज़ार कर रहा है। तो हम सब ने कर दिया आरती और करेंगे मम्मी पापा का अच्छे से वेलकम। तो कमेंट में बताना हम लोगों ने अच्छे से वेलकम किया कि नहीं। तो फिर मिलते हैं अभी आप लोगों से। वेलकम है, पधारिए अपने घर, आइए आइए पापा श्री माता श्री 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 पद्मा श्री आइए 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 अपने घर को पधारिए आइए। कैसा लग रहा है अपने घर आके बताइए जरा, कैसी रही आपकी जर्नी पापा? बहुत अच्छी ना, बहुत घूमा, बहुत अच्छा लगा। एक बार भी वीडियो तक नहीं भेजा? अरे वीडियो सिम बंद हो जाए, जियो पर्सनल चलाते हैं बस। बैठो 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 पैर पैर डाल दे भूत। तो गाइज मम्मी पापा आ गए, लेके आ गए हम, और भाभी के मम्मी पापा वो अपने घर चले गए और मम्मी पापा यहाँ आ गए।
और पूरा एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते बाद आए थे तो बहुत ज़्यादा मतलब खुशी थी क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। बिल्कुल प्लाजो मुझे नहीं पता क्योंकि इतने दिनों से घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही ख़राब सा लग रहा था। तो हम लोग अब खुश हैं और अब मम्मी आई हैं, थोड़ी देर आराम करेंगी, फिर पापा को शाम को आप लोगों से पापा से मिलवाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, समझ सकते हो। इतनी गर्मी, हम खुद जब इतनी देर एक घंटे तक वहाँ खड़े रहे लेने गए, वहाँ पे इतना परेशान हो गए, तो सोचो बस के अंदर कितना परेशान हुए होंगे, है ना। तो फिर अभी हम आपको शाम को बात करवाएंगे पापा से, तक के लिए बाय।